हाय एवरीवन, सेफ ट्रेवल। आप भी चाहते होंगे, स्पेशली जब आपके पास बहुत सारा गोल्ड हो पक्का। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे हो तो कितना ज़्यादा फियर होता है, कितनी एंजाइटी होती है, कितना डर लगता है। आज एक ऐसी एक एक्सपीरियंस मेरी एक क्लाइंट है, उनका शेयर करने वाली हूँ। उन्होंने मुझसे कंसल्टेशन लिया था एंड उसके बाद जो उनका ट्रैवल हुआ उसके बारे में उन्होंने अपनी एक टेस्टिमोनी शेयर की है, जो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। इसके साथ ही मैं आपको बताऊँगी वो कौन से मंत्राज हैं, वो कौन से बैक फ्लावर्स हैं आप चैंट कर सकते हैं, जिससे आपकी ट्रैवल जर्नी सेफ जर्नी में कन्वर्ट हो सके और एक हैप्पी एक्सपीरियंस आप गेन कर सके जब भी आप ट्रैवल करते हैं। तो चलिए आज की टेस्टिमोनी पढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले मिलियन थैंक्स टू नारायण सर एंड ऑल माय फॉलोवर्स, जो मुझे बहुत सारा लव रिस्पेक्ट एंड प्यार देते रहते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। सी इस टेस्टिमोनी क्या है, लेट्स सी एंड उनका क्या एक्सपीरियंस है इसके बारे में जानते हैं। आई वॉन्ट टू शेयर माई वंडरफुल टेस्टिमोनी। आई कॉल माई एंजल ऑफ सॉल्यूशन रिया मैम बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग फर्स्ट टाइम बाई माई सेल्फ एंड हैड अ लॉट ऑफ स्टफ विद मी वेडिंग ज्वेलरी। तो इन्हें शादी में जाना था। सबसे पहली चीज़ है कि शादी से लेके आज तक वो ना तो शादी के पहले और ना शादी के बाद, उनकी शादी को 13 साल हो चुके हैं, आज तक वो कभी भी अकेले ट्रैवल नहीं किया है उन्होंने। सो सबसे बड़ा उनका फियर एंग्जाइटी था कि फर्स्ट टाइम लाइफ में अकेले ट्रैवल करना है, ओवरनाइट जर्नी है। और उसके साथ उनके पास बहुत सारी गोल्ड ज्वेलरी थी, शादी अटेंड करने जानी थी, तो एक उन्हें वो भी प्रॉब्लम था। एक तो अकेले ट्रैवल करना, ऊपर से इतनी सारी गोल्ड ज्वेलरी लेके ट्रैवल करना उनके लिए बहुत पेनफुल हो रहा था, उनको बहुत एंग्जाइटी हो रही थी इस चीज़ से लेके। सो शी इज़ रेफर्स्ट राइटिंग द एक्सपीरियंस। उन्होंने लिखा, आई वॉज जस्ट प्रेइंग टू हैव सेफ जर्नी एंड ऑल्सो आई वॉन्टेड टू हैव अ गुड एक्सपीरियंस एज आई वॉज, इट वॉज माई फर्स्ट जर्नी अलोन। आई वॉज गोइंग टू रीच लेट टू मुंबई आफ्टर गेटिंग डाउन फ्रॉम द बस। तो एक अच्छी जर्नी चाहती थी, सेफ जर्नी चाहती थी। आफ्टर गेटिंग डाउन फ्रॉम द बस आई वॉन्टेड अ गुड ऑटो और अ कैब ड्राइवर वेन आई रीच मुंबई टू ड्रॉप मी अ डिजायर्ड लोकेशन। तो जब ये बॉम्बे पहुंची और इन्हें एक कैब चाहिए थे, ये अच्छा ड्राइवर ढूंढ रही थी। शी आस्क्ड मी टू कैरी, आई टोल्ड हर टू कैरी। सो आफ्टर गेटिंग डाउन फ्रॉम आई कॉन्टेक्टेड मैम एंड शी गाइडेड मी विथ टू मंत्रास एंड सम बैक फ्लावर। सो वेन शी हैज टेकन द कंसल्टेशन आई हैव गिवन सम बैक फ्लावर कॉम्बिनेशन अलॉन्ग विद द टू मंत्रास विच आई टोल्ड हर टू यूज इट। सो शी आस्क्ड मी टू कैरी अ रेस्पी रेमेडी and write the above two mantras on a piece of paper so that my stuff will be safe and there will be a golden around aura created around me. So मैंने इनको कुछ back flower combinations बोले थे and साथ में मैंने इनको बोला था कि you chant this mantra so that इस mantra से आपके golden aura create हो जाएगी and you will be in positive state of energy. So she has chanted around and done all these things and she asked me to do चैंट द एनिमल स्प्रिट गाइड उल्फ हॉल्स को। तो मैंने इनको उल्फ को भी बोला था चैंट करने के लिए, कॉल करने के लिए, यूज़ करने के लिए। आई डिड एज गाइडेड बाई मैम एंड आई रीच्ड सेफली एंड माई स्टफ वर ऑल्सो सेफ। ऑल्सो आई वॉज फेल्ट सम ब्यूटिफुल एंड एंजेलिक एनर्जी वर सराउंडेड अराउंड मी। तो इन्हें एक बहुत ही अच्छा एंजेलिक एक्सपीरियंस हुआ, एक इनको फील हो रहा था, एक पॉजिटिव एनर्जी उनके साथ चल रही है बिकॉज ऑफ ऑल दिस मंत्रास एंड बैक फ्लावर्स जो वो कैरी कर रही थी। आई एम ग्रेटफुल टू यू मैम, आई थैंक यू एंड थैंक यू। सो ये थी इनकी टेस्टिमोनी। नाउ लेट्स नो कि कौन से बैक फ्लावर्स मैंने रिकमेंड किए एंड कौन से मंत्रास मैंने रिकमेंड किए। तो फर्स्ट मंत्रा जो मैंने उनको रिकमेंड किया था, दैट इज ओम जूम सह सह जूम ओम। ये मंत्र मैंने उनको रिकमेंड किया था। इस मंत्र का ऑडियो MP3 फॉर्मेट भी है मेरे पास, आप लोग चाहें तो मुझसे खरीद सकते हैं, या फिर ये मेरे YouTube चैनल पे भी है इसका ऑडियो, आप वहाँ पे भी सुन सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इस मंत्र को मैंने उनको इसलिए दिया था ताकि उनका जो फियर है, उनको जो रिलीज़ करना था वो उनका फियर रिलीज़ हो जाए, नंबर वन रीज़न। नंबर टू रीज़न मैंने इसलिए दिया था, दिस मंत्र प्रोड्यूसेस गोल्डन एनर्जी, गोल्डन ऑरा, गोल्डन कलर। सो इनके ऑरा में, इनके एनर्जी फील्ड में गोल्डन कलर क्रिएट हो जाए, इनकी ऑरा इंटैक्ट रहे पॉजिटिव एनर्जी से
and also to protect her from any infectious disease as she was traveling. और आप सबको ही पता है कि this time कितना ज़्यादा virus फैल रहा है. Again, to protect her, मैंने उनको ये back flowers I will tell you the back flowers जो मैंने उनको दिए. So ये number one mantra था जो मैंने उनको दिया था, that is ओम जूम सह सह जूम ओम, जिसका मेरे YouTube चैनल पर भी ये रिकॉर्डिंग्स हैं. आप चाहें तो उस मंत्र को वहाँ से भी सुन सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं. अगर MP3 फॉर्मेट चाहिए ऑडियो के लिए तो आप मुझसे खरीद सकते हैं. और साथ ही साथ मैंने इस मंत्र के और भी बहुत सारे अमेजिंग यूजफुल बेनिफिट्स बताए हैं जो मेरे चैनल पे हैं वीडियो, वो भी आप देख सकते हैं. सो द नेक्स्ट मंत्र जो है ओम ह्रीम पद्मनंदेश्वरा हूँ, एंड इसे आप ओम पद्मनंदेश्वरा हूँ भी खाली चैंट कर सकते हैं. तो दो बोथ द मंत्रास आर ओके, यू कैन चैंट एनीथिंग एल्स. सो दिस मंत्रा शी हैज ऑल्सो चैंटेड दिस. सो दिस स्पेशली मंत्रा इज फॉर सेफ जर्नी. फर्स्ट मंत्रा जो मैंने उनकी अदर प्रॉब्लम्स के लिए दिया था, नेक्स्ट मंत्रा जो मैंने उनको दिया था दैट इज फॉर हर सेफ ट्रैवल एंड जर्नी. इसके साथ साथ मैंने उनको सर्टेन बैक फ्लावर बोले थे, रेस्पी रेमेडी मैंने उनको बोला था उनके एग्जाइटी एंड स्ट्रेस के लिए. उनके पास उस टाइम कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ बैक फ्लावर्स ही थे तो जो मैंने उनको बोला कैरी करने के लिए. बट फॉर यू ऑल पीपल, इफ यू वॉन्ट टू कैरी सर्टेन बैक फ्लावर्स फॉर योर ट्रैवलिंग पर्पज एंड सेफ ट्रैवलिंग, देन यू कैन यूज द बैक फ्लावर कॉम्बिनेशन पाइन, स्टार ऑफ बेथलहम, रॉक रोज, रॉक वाटर, एल्म एंड गॉर्स. दीज आर द कॉम्बिनेशंस यू कैन यूज एट एज अ ट्रैवल पैक, सेफ ट्रैवल पैक. इसे आप एक पेपर पे लिख लीजिए, ट्रैवल करने से पहले 21 टाइम्स चैंट कर लीजिए. जहाँ जहाँ पे आपकी लगेज हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, ज्वेलरी हैं, वहाँ वहाँ पे इस पेपर में लिख के एक नोट स्टिकी नोट्स पे लिख सकते हैं, पेपर में रख सकते हैं, ज्वेलरीज में रख सकते हैं. सो दैट इज वेरी सेफ. सो इवन एक थेफ्ट प्रोटेक्शन कॉम्बिनेशन भी होता है. आई हैव द पिल्स ऑल्सो, इफ यू वॉन्ट यू कैन बाई इट ऑल्सो फ्रॉम मी. सो आपके घर में अगर कभी गोल्ड रहता है, आप बाहर जाते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में चोरी ना हो जाए, तो दैट ऑल्सो यू कैन डू दैट. बैक फ्लावर कॉम्बिनेशन आर वेरी हेल्पफुल. सो देर आर सर्टेन मंत्रा ऑल्सो विच आई विल कवर इन डिफरेंट वीडियो की थेफ्ट प्रोटेक्शन कैसे करते हैं एंड किस मंत्रा से आप अपने घर में थेफ्ट को प्रोटेक्ट रख सकते हैं, दैट आई विल टेल इन सेपरेट वीडियो. बट आज की वीडियो में आपने ट्रैवल जर्नी के बारे में जाना कि कैसे आप बैक फ्लावर से एंड मंत्रा से अपनी जर्नी को सेव कर सकते हैं, अच्छा ट्रैवल एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं और साथ ही इन्फेक्टिशियस होने से बच सकते हैं आज के इस टाइम पे, क्योंकि अभी जो वायरस अगेन है वो फिर से बढ़ रहा है. तो आई रिकमेंड बाइंग टू बैक फ्लावर पिल्स जो मैं खुद स्पेशलाइज कॉम्बिनेशन बनाती हूँ. वन इज़ अ इम्यूनिटी पिल्स एंड अनदर इज अ कोरोना प्रोटेक्शन पिल्स. लास्ट जो वेव्स आई थी सेकेंड वेव, उसमें काफ़ी लोगों ने इस बैक फ्लावर पिल्स से बेनिफिट उठाया था, काफ़ी लोग अपने आप को सेव कर पाए थे. सो इट्स अ वन गुड कॉम्बिनेशन जो बैक फ्लावर से मैंने क्रिएट की हैं, कोरोना प्रोटेक्शन पिल्स एंड देन आपका इम्यूनिटी पिल्स. आई सजेस्ट स्टार्ट टेकिंग इट बिकॉज ये प्रेडिक्शंस किए जा रहे हैं कि फेब में अगेन एक बहुत ज़्यादा मैसिव केसेस देखने को मिल सकते हैं. तो बेटर बी सेफ, बच्चों को देना शुरू कर दीजिए, अपने ओल्ड एज पेरेंट्स को देना शुरू कर सकते हैं, आप खुद ले सकते हैं अगर आप वीक हैं तो. इट इज़ अ गुड बैक फ्लावर कॉम्बिनेशन जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं. सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया, कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा तो कमेंट करके बताइएगा. एनी अदर प्रॉब्लम्स आर यू फेसिंग, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में. एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहिएगा. लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय.